इसीलिए दोस्तों 95% ट्रेडर्स छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं और बड़ा लॉस को होल्ड करके रखते हैं, जो कि गलत स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों हमको ये नहीं करना है, हमको प्रॉपर रूल फॉलो करके ट्रेडिंग करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, हमारा नया यूट्यूब फैमिली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स भाइयों ने कमेंट्स किए थे कि भाई हमारे पास 5,000 है, 10,000 है, उसी 5-10,000 से ट्रेड करके हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। और कुछ सब्सक्राइबर्स भाइयों ने कमेंट्स किए थे कि भाई हमारा बहुत लॉस हो चुका है, उसको हम कैसे रिकवर करेंगे। तो दोस्तों हैविंग 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट और आज ए सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। एक महीने के लिए इस रूल को फॉलो कीजिए और रिजल्ट मेरे को बताइएगा। तो चलिए दोस्तों उस रूल्स को समझते हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लॉजिक छुपा हुआ है। अगर आप सही में इस रूल को एक महीना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को फुल देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे पहला रूल है नो सेटअप नो ट्रेडिंग। इसका मतलब है अगर हमको कोई सेटअप नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा है, कोई अच्छा एंट्री नहीं मिल रहा है, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उस केस में हमको बैठे रहना है, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। जब तक हमको अच्छा एक्यूरेसी वाला ट्रेड नहीं मिल रहा है, चाहे पूरा दिन भी चला जाए तो भी हम बैठे रहेंगे। एक दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, दो दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, बट हमारा कैपिटल तो सेफ रहेगा ना। क्यों ज़बरदस्ती का ट्रेड लेके हमारा कैपिटल को लूज़ करेंगे। ये तो था रूल नंबर 1। एंड ये है रूल नंबर 2, मैक्सिमम 2 स्टॉप लॉस लेना है एक दिन में, मैक्सिमम 2 स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। अगर दोस्तों हमारा पहला ट्रेड एसएल हो गया तो और एक चांस हम ले सकते हैं, अगर हमको हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड मिले तो। अगर वो ट्रेड भी एसएल हो गया तो उसके बाद हमको चार्ट देखना भी नहीं है, उस दिन के लिए हमारा ट्रेड क्लोज। दोस्तों ट्रेडर्स बड़े लॉस इसीलिए करते हैं कि वो पहला लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड लेते हैं, दूसरा लॉस को रिकवर करने के लिए तीसरा ट्रेड लेते हैं, ऐसे ट्रेड लेते लेते ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, जिसके कारण वो साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाते हैं। लॉसेस को रिकवर करने के लिए वो बड़ा से बड़ा लॉट से ट्रेड लेते हैं, जिसके कारण लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए दोस्तों ओवर ट्रेडिंग को हमेशा अवॉइड करना है। और नंबर 3, ओनली 1 लॉट से ट्रेड करना है हमको, क्योंकि दोस्तों एक लॉट में ट्रेड करने से हम एसएल को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं और बड़े टारगेट के लिए हमारा ट्रेड को हम होल्ड कर सकते हैं। अगर हम बड़े लॉट से लेंगे, 20-30-50 ऐसे लॉट से लेंगे, तो हम बड़े टारगेट कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा लॉट लेने से अगर मार्केट थोड़ा सा भी हिल जाएगा तो हमको प्रॉफिट दिखाएगा, 20,000-30,000 ऐसे प्रॉफिट दिखाएगा। 10-15 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाएगा तो हमको इतना बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। जब 20-30 हज़ार का प्रॉफिट हमको दिखेगा तो हमारा मन में ये आएगा कि 20-30 हज़ार तो मिल चुका है, अगर मार्केट नीचे चला जाएगा तो ये प्रॉफिट भी हमारा चला जाएगा, नहीं नहीं इसको बुक कर लेते हैं अभी। इसीलिए दोस्तों 95% ट्रेडर्स छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं और बड़ा लॉस को होल्ड करके रखते हैं। तो दोस्तों हमको ये नहीं करना है, हमको प्रॉपर रूल फॉलो करके ट्रेडिंग करना है। दोस्तों हमारा रूल नंबर 4 है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा, जब हम ट्रेड लेंगे तो हमेशा ITM यानी कि इन द मनी और ATM यानी कि एट द मनी में ट्रेड लेंगे, OTM पे कभी भी नहीं लेंगे। बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो सिर्फ OTM में ही ट्रेड लेते हैं। दोस्तों OTM में हम सिर्फ एक्सपायरी और कोई इवेंट में हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो OTM है ना, यहाँ पे कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे थीटा बहुत शार्पली डीके होता है, ऐसे डीके होता है थीटा, ऐसे डीके होता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अगर आपने ट्रेड लिया 11:30 में, ठीक है, तब प्रीमियम था 100 रुपया मान लो, और हमारा ट्रेड लेने के बाद 1 घंटा हो गया, ठीक है, और मार्केट उसी जगह पे खड़ा है और 40-50 पॉइंट ऊपर भी चला गया मान लो, फिर भी आप देखोगे कि ये जो प्रीमियम वो कम हो चुका होगा। तो दोस्तों OTM के लिए हमको हाई वोलेटिलिटी चाहिए, एक्सपायरी में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, इवेंट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहता है,
एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग का चांसेस बहुत मैक्सिमम होता है, इसलिए हम एक्सपायरी में और इवेंट में ओटीएम पे ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों ये जो कंसेप्ट है, ये जो थीटा वाला कंसेप्ट है, जब हम ऑप्शन ग्रीक सीखेंगे तब हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों इस चार रूल को फॉलो कीजिए और एक महीने के लिए पेपर ट्रेडिंग कीजिए। दोस्तों पेपर ट्रेडिंग करने के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर एक महीने में आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 हमें कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा फैमिली मेम्बर बन जाएगा। दोस्तों हमारा फैमिली को बड़ा होने में मदद कीजिएगा, और स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग आपका किसी भी सवाल है आप हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।